2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। कि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। बहन और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी, प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे, 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहन और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे, बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बनकर के चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है,
यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत है, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है।